हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में Redmi Note 11 सीरीज की सभी जानकारी देने वाला हूं एंड साथ में यह भी बताने वाला हूं कि यह मोबाइल की प्राइस कितनी होगी एंड कब तक लॉन्च होगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 11 सीरीज़ के लॉन्चिंग की। तो दोस्तों यह सीरीज़ चाइना में लॉन्च हो चुकी है एंड ये बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। एंड दोस्तों यह सीरीज़ इस साल के एंड में यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और दोस्तों यह कंफर्म है। एंड दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Redmi की यह नंबर सीरीज़ साल में दो बार लॉन्च होती है, वह भी मार्च एंड नवंबर मंथ के आसपास। क्योंकि दोस्तों Redmi Note 6 सीरीज़ 28 नवंबर 2018 को लॉन्च हुई थी, Redmi Note 7 सीरीज 28 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी, Redmi Note 8 सीरीज 16 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुई थी और Redmi Note 9 सीरीज 12 मार्च 2020 को लॉन्च हुई थी। एंड दोस्तों कंपनी ने इस साल 4 मार्च 2021 में Redmi Note 10 सीरीज को लॉन्च किया है। मतलब कि दोस्तों इस साल नवंबर मंथ के स्टार्टिंग या फिर एंडिंग वीक में Redmi Note 11 सीरीज भी लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों ये थी Redmi Note 11 सीरीज की लॉन्चिंग डेट की जानकारी। अब बात करते हैं इन मोबाइल के स्पेसिफिकेशन और प्राइस की। तो दोस्तों जब Redmi Note की 6, 7, 8 और 9 सीरीज लॉन्च हुई थी तब उसमें दो दो मोबाइल ही लॉन्च हुए थे, लेकिन जब इस साल Redmi Note 10 सीरीज लॉन्च हुई थी तो इस सीरीज में टोटल 3 मोबाइल लॉन्च हुए थे। तो इस बार भी 11 सीरीज लॉन्च होगी तो उसमें भी टोटल 3 मोबाइल ही लॉन्च होंगे, जिसमें पहला मोबाइल Redmi Note 11 5G होगा, दूसरा मोबाइल Redmi Note 11 Pro होगा और तीसरा मोबाइल Redmi Note 11 Pro Plus होगा। लेकिन दोस्तों लास्ट वाले मोबाइल का नाम Pro Max या फिर Pro Plus दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं तीनों मोबाइल के डिस्प्ले की। तो दोस्तों तीनों मोबाइल में 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले होगी एंड Redmi Note 11 Pro और 11 Pro Plus में डिस्प्ले सुपर AMOLED होगी एंड Redmi Note 11 5G की डिस्प्ले IPS LCD होगी और Redmi Note 11 Pro एंड 11 Pro Max में Gorilla Glass 5 एंड Redmi Note 11 5G में Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और दोस्तों तीनों मोबाइल में MediaTek के प्रोसेसर मिलने वाले हैं, जिसमें Redmi Note 11 5G में MediaTek Dimensity 810 होगा, Redmi Note 11 Pro एंड 11 Pro Plus में MediaTek Dimensity 920 का प्रोसेसर होगा। लेकिन Redmi Note 11 Pro Plus का कुछ कह नहीं सकते, इसमें Snapdragon 778G का भी प्रोसेसर मिल सकता है और यह तीनों मोबाइल के प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के होंगे एंड 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाले हैं, यानी कि यह तीनों मोबाइल में 5G का सपोर्ट मिलने वाला है और तीनों मोबाइल में Android 11 के साथ MIUI 12.5 का कस्टम UI होगा। नेक्स्ट दोस्तों कैमरे की बात करते हैं, जिसमें Redmi Note 11 5G में 50+8 megapixel का ड्यूल कैमरा मिलेगा और Redmi Note 11 Pro एंड 11 Pro Plus में 108+8+5 megapixel का ट्रिपल कैमरा मिल सकता है। कहने का मतलब है दोस्तों 11 Pro एंड 11 Pro Plus में प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिलेगा, यह कंफर्म है, लेकिन बाकी के दो कैमरे का कुछ कह नहीं सकते, वह मोबाइल में 8+5 megapixel का या फिर 8+2 megapixel का मिल सकता है एंड फ्रंट कैमरा Redmi Note 11 5G एंड 11 Pro का 16 मेगापिक्सल का मिल सकता है और 11 Pro Plus का 32 मेगापिक्सल का मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तीनों मोबाइल के चार्जिंग स्पीड की। तो Redmi Note 11 5G में 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, Redmi Note 11 Pro में 5160 mAh की बैटरी के साथ 67 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा और Redmi Note 11 Pro Plus में 4500 mAh की बैटरी के साथ 120 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। लेकिन तीनों मोबाइल की चार्जिंग स्पीड का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों जब Redmi Note 9 Pro Max चाइना में लॉन्च हुआ था तब उसमें 67 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट दिया था एंड जब यह मोबाइल इंडिया में लॉन्च हुआ था तब उसमें 33 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट दिया था। तो दोस्तों चार्जिंग स्पीड का कुछ कंफर्म नहीं कर सकते एंड दोस्तों कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि वह मोबाइल की प्राइस को कम कर सके और मोबाइल कस्टमर के बजट में हो, ताकि बहुत से लोग इनके मोबाइल खरीदे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों मोबाइल के वेरिएंट एंड प्राइस की। तो दोस्तों Redmi Note 11 5G 6GB 64GB 6GB 128GB 8GB 128GB ऐसे तीन वेरिएंट में मिलेगा, जिसकी प्राइस 14,000, 15,000 एंड 16,000 हो सकती है एंड Redmi Note 11 Pro 6GB 128GB 8GB 128GB एंड 8GB 256GB ऐसे तीन वेरिएंट में मिलेगा, जिसकी प्राइस 16,000, 18,000 एंड 21,000 हो सकती है और Redmi Note 11 Pro Plus भी 6GB 128GB 8GB 128GB एंड 8GB 256GB ऐसे तीन वेरिएंट में मिलेगा,
जिसकी प्राइस 19,000, 20,000 और 23,000 हो सकती है। तो दोस्तों ये था Redmi Note 11 सीरीज का स्पेसिफिकेशन, लॉन्चिंग डेट एंड प्राइस का वीडियो। वैसे दोस्तों स्पेसिफिकेशन का कुछ कह नहीं सकते, आपको इनमें कुछ स्पेक अलग मिल सकते हैं क्योंकि यह सब स्पेसिफिकेशन के साथ मोबाइल चाइना में लॉन्च हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि जब यह मोबाइल इंडिया में लॉन्च हो तो वह सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ही हो, इनमें शायद कुछ स्पेसिफिकेशन अलग भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।